सो वेल, जंगल तो हमने देख लिया कि अब जंगल से हम आए हैं मेन घर के अंदर। जिस तरीके से आप देख सकते हो ऊपर की तरफ, यहाँ पर दिखाया गया है कि किस तरीके से नज़र रखने के लिए, और साथ ही में अगर आप देख सकते हो तो कितना खूबसूरत बनाया गया है। यहाँ से लोग जो हैं वो बाहर की कंडीशन पे घर के अंदर से ध्यान रख सकते हैं, जिसको सज़ा मिलेगी या जो जंगल में रहेगा वो किस तरीके से रहेगा। साथ ही में जो आप देख सकते हो कि ये चेस की थीम है, जी हाँ। सो यहाँ पर राजा, रानी, घोड़ा, वजीर, सिपाही, हाथी सब है, यहाँ पर मौजूद है। सो वेल, अभी देखना जाएगा कि आखिरकार चेस बोर्ड किसके साथ खेले जाएंगे। एंड साथ ही में आप देख सकते हो कि ये जो है ये किचन है। इसी किचन में हम देखते हैं कि खाना बनता है, झगड़ा होता है, लोग चीज़ें चुराते हैं, छुपाते हैं। सो यही वो किचन एरिया है जिसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है कि किस तरीके से डिज़ाइन किया गया है, डेकोरेट किया गया है। वेल, आप देख सकते हो यहाँ पर कि कितनी खूबसूरत से बनाया गया है। राइस के इधर डब्बे हैं, पल्स के डब्बे हैं, और साथ ही में सबके पानी की बॉटल है जिसके ऊपर सबके नाम लिखे जाएंगे, सबके स्पून्स है, वॉश बेसिन है, जहाँ पर आपको याद होगा कि सलमान ने खुद आके बर्तन घिसे थे। सो वेल, ये किचन एरिया है जो आप देख सकते हैं। एंड यहीं पे चाय के कप्स रखे हैं, और जो है खाना इसी पे बनेगा घर घर के लिए, 15 लोगों के लिए। और यहीं पे भाजी चॉप होती हैं, और साथ ही में जो है लोग एक दूसरे को ताना भी मारते हैं, कोई यहाँ पर काम करता है, कोई सामने जो है टेबल पर बैठ के उंगली करता है। सो यही वो जगह है जहाँ पर होने वाली है काफ़ी ढेर सारी मस्ती। घर के अंदर खाना बनेगा, उसके ऊपर टकरार होगी, लोगों के बीच में जो है बातें होंगी, डिस्कशंस होंगे, और यहीं पे बैठे जाएंगे ये एक साथ। सब जब हो जाता है, खाना बन जाता है, तो एक साथ बैठ के खाते हैं, और खाने को लेकर भी काफ़ी झगड़े होते हैं। जी हाँ, इस टेबल पे भी हमने देखा है कि कितने सारे झगड़े हो चुके हैं टेबल पे बैठे बैठे खाने को लेके, कि ज़्यादा खाना, रोटी कम हो गई, रोटी ज़्यादा हो गई, खाना फेंका गया, खाना जो है डस्टबिन में डाला गया, क्यों डाला गया, किसने बनाया, टेस्ट अच्छा नहीं है, नमक ज़्यादा है, ये सारी चीज़ें यहीं पर होती है। सो ये जो है ये आप देख सकते हो कि जैसे कि मैंने आपको देखा, ये जो है सिर्फ किचन एरिया है जहाँ पर खाना बनेगा और लोग बैठ के खाएंगे। लेकिन इसके बाद जो है हम लिविंग रूम में जाएंगे। लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पर ही एंट्रेंस पे जिस तरीके से ऊपर रखा गया है, आप देख सकते हो कि एक आदमी है जिसको जो पॉइंट कर रहा है किचन की तरफ। तो आखिरकार किसे मिलेगा ये किचन का टास्क? और साथ ही आप ऊपर ये भी देख सकते हो कि कम फ्लाई विथ मी। सो आखिरकार कहाँ पर जाना है फ्लाई करके, ये तो वेल अब देखते हैं। और सबसे बेहद और खूबसूरत जो पार्ट है वो ये है बर्ड। आप देख सकते हो कि ये बर्ड कितनी लंबी है, जहाँ पर एक तरफ उसकी चोंच है, उसका फेस है, वहीं पे उसकी पूरी बॉडी ऊपर है, और साथ ही में उसके लेग इस साइड है। सो आखिरकार ये बर्ड जो है वो बीच बीच में क्या आके पीक करने वाली है, वेल वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा देखना, क्योंकि बर्ड ऐसे ही तो थोड़ी रखेंगे। बर्ड है तो डेफिनेटली वो अपने चोंच भी मारेगी, और वो घर में जो है कंटेस्टेंट्स को सताएगी भी। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। तो इसके बाद अब बचा है एक ही रूम, वो है लिविंग रूम जहाँ पर लोग रहते हैं। सो चलिए अब यहाँ से हम जाते हैं लिविंग रूम की तरफ।